हेलो यारों, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल दबंग। और मैं स्टॉप होने के मूड में भी नहीं हूँ, बट वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ अ डे इन कैपोडिशिया। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया पोस्ट करने में। दो पार्ट मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, यह है पार्ट 3। और अब हम आए हैं एक बढ़िया कमाल की जगह, आओ दिखाएं। We have come to a museum. This is museum? Yeah, when you pay for the entrance, it is museum. When you can get a banana berry. तो यार ये कोई एक म्यूजियम है, यहाँ पे भी डॉग्स ही डॉग्स हैं। लुक्स लाइक दैट म्यूजियम इज ऑल अबाउट। या वो मशरूम रॉक्स थे, अब इन्होंने इसका म्यूजियम बनाया है। थोड़ा और पास जाके देखेंगे। लेट्स गेट क्लोजर एंड द व्यू इज ऑसम। दूर दूर तक देख सकते हो, कोई सिटी नहीं, दूर दूर पहाड़। Can I take a video? No. तो ये जो छोटी सी जगह मैंने दिखाई है, केव्स टाइप छोटे छोटे बने हुए, वो यहाँ पे ये सोल्जर्स बिठाते थे पहले, जो अब यहाँ से हटा दिए गए क्योंकि इस म्यूजियम की सिक्योरिटी के लिए उनको मिले ये केव। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मानिक चंद खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे पीछे हैं रॉक्स, जो और करीब से जाके देखेंगे। और यार कितना मस्त है नहीं, व्यू ही व्यू, व्यू 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 व्यू। तो ये है मशरूम रॉक विद अ ब्यूटीफुल व्यू एंड गार्डन। और ये साथ में है मेरा टूर गैंग। हेलो ठिकानी साहब, यार नहीं बनाना कर ये। So when you look straight ahead from here, in the middle, the top of that looks like a rabbit face. It has nose, eyes, ears. मैडम टूर गाइड से, द टूर गाइड सेज फ्यू रॉक शेप्स लाइक एनिमल्स एंड वन ऑफ देम इज रैबिट।
बाकी वट एवर यू थिंक यू कैन इमेजिन, तो जो मर्जी समझो, एक खरगोश के मुंह का है रॉक। वेलकम टू मशरूम रॉक म्यूजियम। सो दीज आर ऑल्सो नेचुरल शेप्ड, तो इनकी भी सेम कहानी, नेचुरल शेप है, नो ठोका ठाकी, नो ठोका ठाकी, ऑल नेचुरल। से हेलो टू हर। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते। यू गॉट टू से लेट्स स्टैंड हियर। ये हैं यहाँ की केव्स। यहाँ पर बेसिकली ये लोग रहे हैं, यहीं पे उन्होंने खाना बनाया है, यहीं शेल्टर लिया है। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, मज़ा आया। Are we gonna come back? पर यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ, और ये जगह बहुत रिसेंटली टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हुई है। हेलो यारों, अब हम आए हैं एक और म्यूजियम में, ज़ेल्वी ओपन एयर म्यूजियम। यहाँ पे टिकट तकरीबन 150 लीरा की होगी, जो कि मेरे हिसाब से शुड बी अराउंड 700, 5 रुपये का लीरा है, तो आप लगा लो 750 अराउंड। और यहाँ पे 20 आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पार्किंग है, वॉशरूम है। हाँ, पर हो सकता है आपको वॉशरूम के भी पैसे देने पड़े। Almost same story but different way. People hide. Different cave for different thing, winery, food, living. Am I right? Of course, all the See? और मैं आपको बता दूं, ये कैपेडोशिया, वैसे कुछ लोग कैपेडोशिया कहते हैं, कुछ लोग कैपेडोकिया कहते हैं,
तो आप जो भी कह लो, इन चीज़ों में मत पड़ो, जो आपको अच्छा लगे आप कह लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट है। ऑलमोस्ट सब सेम ही, केव्स, रॉक्स, मशरूम रॉक, वाइनयार्ड, सब है, पर ये एक बहुत खूबसूरत जगह थी जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, पर यहाँ पे आकर जैसे आप देख रहे हो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ सकती हैं, तो फिट हो तो आ जाओ या मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे बहुत 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 सारी आपको ऐसी लोकेशन मिल जाएंगी जहाँ आप कमाल कमाल की पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हो। वेल, मैं यहाँ से तो पिक्चर्स खिंचवाने नहीं आया था, मैं तो देखने आया था। यहाँ पे आपको चर्चेज भी मिल जाएंगे अंदर, और जब भी आप आओगे पैकेज लेके आओगे तो आपके साथ गाइड होगा, तो वो आपको और ब्रीफली बता पाएंगे यहाँ की और खासियत। वैसे एक काम मेरा भी था, पर मैं गाइड से थोड़ा सा दूर था तो हर एक जानकारी मैं जान नहीं पाया, पर मैं समझ गया था कि ये सब सेम ही है, सबकी सेम हिस्ट्री है, जो मैं शायद पहले दो पार्ट्स में बता चुका हूँ। तो इन्जॉय इट। They were farmers at that time. They harvest all the wheat. They wash it. They boil it. Then to get it dry, they put inside this hole. And one of the animal can be horse or donkey. While the animal is turning, the stone is moving, and they make the cracked wheat. We call it ulgur today. And there is a fireplace, tandır. ये भाई पहाड़ ऊपर से गिरा है, पर ये इन पे पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते थे, पर अब ये टूट गया। सेल्फी स्टिक लेनी पड़ेगी। तो भाइयों वो किचन है थी, one of the wedding couples took pictures, took a long time, the other people complained to the government. अब मैं आ गया हूँ इमेजिनेशन वैली पे। इमेजिनेशन वैली क्या है? ये रॉक्स हैं, इनकी शेप्स में कुछ ना कुछ आपको इमेजिन करने को मिल जाएगा। आपको जैसा देखना है वैसा देख लो, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। जैसे कि ये जो दिख रहा है, ज़ूम नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक काइंड ऑफ कैमल है, और ये रॉक्स हैं। अभी फ्रंट कैमरे से दिखाएंगे आपको, आप इमेजिन कर लेना। सो दैट इज़ वन टूरिस्ट स्पॉट हेयर, इमेजिनेशन वैली। और ये रास्ता जाता है ऊपर, आप जा सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो। पर यहाँ इतने रॉक देख देख के ना, समझ रहे हो ना, मुझसे होगा नहीं। अब
वहाँ से देखो लोग आ रहे हैं, आप भी जा सकते हो, आप इधर आओ। तो अब मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखा देता हूँ क्या इमेजिन करने को आप कर सकते हो, बट ये एक स्पॉट है। इमेजिनेशन वर्ल्ड, यू कैन इमेजिन ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है, सबकी कोई ना कोई शेप है। मुझे लगता है कैमरे से बाहर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगी। और इधर भी है, यू कैन गो, यहाँ से ये लोग आ रहे हैं। बस इतना ही था इस इमेजिनेशन वैली पे। देखो इमेजिन करो, खाना खाओ, पियो पियो, सोवेनियर खरीदो, फोटो खिंचाओ, हो गया। पर इस टाइम वेदर बहुत अच्छा है नवंबर में, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है एक दो, अभी 6-7 होगा, ठंडी ठंडी हवा, मज़ा, गुड प्लेस। Okay, bye.